प्लीज प्लीज। मान्यवर मैं डे वन से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे, किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं मान्यवर? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा, आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ है ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूं मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा, इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, ये यूपीए का अप्रोच है मान्यवर। हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा, आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। मान्यवर, 6 साल से, करीब करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए, 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा, मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा, मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू किया, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहां फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहां आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया, अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहां पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहां आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे, कहां बसेंगे तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्या बदल जाएगी। हमने उसको देखा, उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की, हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहां जनसंख्या की बहुत
निर्णायक होती है मान्यवर। घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं, तो एक जनसांख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की, उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया, और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वॉटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वॉटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर ये जो वहां पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहां पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई, 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहां से 40 किलोमीटर से आ जाए उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए, ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाड़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर, और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है, मगर अफवाहें जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण। और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरी होगी। स्पर्धा का भाव होता है और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश हो गया मैंने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए, ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूं, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहां मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नार्कोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है, इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी और इसके विरोध में एक जुलूस निकला, जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर अब दो सवाल है कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूं, इतनी ही शांति से बताऊंगा, कोई जरा भी मन में मैं कि कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज से भागना नहीं, मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में
1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंडी, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले, भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने, आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर इनको मालूम है जवाब किसने दिया? एमओएस राजेश पायलट। और ये मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। एमओएस गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास मैं पूरा बताता हूं उनके साथ, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृहमंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमओएस ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला और राज्यसभा में गृहमंत्री ने जवाब दिया, बस लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे, मुलाकात की? किसी ने नहीं की, ना गृहमंत्री ने ना एमओएस ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाईते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला, ये भी नस्लीय हिंसा है। मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डेवन से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए, मुझे बोलने नहीं देते हैं, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा, मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया, अरे भाई मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं, हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं, हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है, सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो, बताओ तो मैं बता देता हूं, नाम सुनना है। मान्यवर बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से, ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं, वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्लीय हिंसा थी। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी एसआईटियां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना एमओएस ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदंबरम साहब थे पर वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख, मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया,
डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार, ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया, 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ न हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, बैठ जाओ यार। कुपिया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेट लगाए जाते थे। 1 साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेट रहा, 5 साल तक ब्लॉकेट लगे। और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचाया है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने में अबाधित। प्रिय दर्शक, আমি সৌভিকুল ইসলাম এবং আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভিলাস। দর্শক, আজকে লম্বা একটা ভাষণ দিয়েছেন পার্লামেন্টে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মণিপুর নিয়ে, এবং শুনলেন, পুরো ব্যাখ্যা দিলেন, অনেক কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে মানে নতুন করে যে হিংসাটা হয়েছে থার্ড মেয়ের পরে ঘটনা ঘটেছে, শতাধিক লোকের মৃত্যুর যে খবর সেটা উনি বলেছেন, কিন্তু তারপর কত দ্রুত সেটাকে কন্ট্রোলে আনা হয়েছে সেটাও বলেছেন। এই মুহূর্তে কিন্তু সেই পরিবেশ নেই ওখানে, মানে এখন যে সেনাবাহিনী যেভাবে নতুন করে ডিপ্লয় করা হয়েছে 355 ওখানে লাগু, তো পুরো কন্ট্রোলে নিয়ে চলে এসছে সেটাও উনি কিন্তু বলেছেন। আর তার থেকেও যেটা শুরু থেকে আপনারা শুনছিলেন, আমরা তো অনেক কথা বলেছি, অন্যান্য মিডিয়া অনেক কথা বলেছে, কিন্তু পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ভারত সরকার, একেবারে ভারত সরকারের তো একটা বিবৃতি, হোম মিনিস্টার যেভাবে বললেন, পুরো একটা বিবরণ দিলেন, পুরো বিবরণ যে কোথা থেকে কী গণ্ডগোল, মানে কবে কি হয়েছে, কি বিষয় না বিষয়, পুরো একটা ঘটনা উনি কিন্তু আজকে পার্লামেন্টে দিয়েছেন এবং অনেক কথা বলেছেন, অনেক অনেক বক্তব্য রেখেছেন। তার মধ্যে মূল যে জায়গাটা আমি আপনাদেরকে দর্শক শোনালাম, কারণ আপনাদের অনেকের মধ্যে কৌতূহল রয়েছে, অনেকে অনেক রকম শুনেছেন, জেনেছেন মিডিয়াতে, ইউটিউবে দেখেছেন, কিন্তু ইউটিউবে যারা বলেন তাদের মতো করে বলেন, কিন্তু এটা একেবারে ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের ব্যাখ্যা বিবরণ কি রয়েছে, ওখানকার মানুষ কীভাবে আসা যাওয়া করেন এবং যে কাঁটাতারের যে বিষয়, কোথায় কী গলত, কী সমস্যা, কী নিয়ম, দু দেশের মধ্যে কী সমঝোতা, সমস্ত বিষয়ে যে বিবরণ আজকে দিয়েছেন। এবং তার সঙ্গে বিরোধীরা যে কথাটা বলার চেষ্টা করছে যে কেন প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন না, কেন প্রধানমন্ত্রী কিছু বলছেন না, বলে যে আমি আগে বলি, আগে আমারটা তো শুনুন, শুনে তো কোনো প্রশ্ন আগে করুন, মানে আমার কথা শুনে আগে দেখুন আপনারা সন্তুষ্ট কি সন্তুষ্ট হতে পারছেন না, সেসব নিয়ে বলুন, তারপর তো আজ আছে আছে বিষয়টা। আর অতীতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে এর আগেও তো মানে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিল, অনেক অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের প্রাণ চলে গেছিলো, তখন কি প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন নাকি? তবুও উনি বললেন যে আমরা পালিয়ে যাওয়ার লোক নই, আমরা প্রশ্ন শুনবো না, চলে যাবো না, বলবো না, বিবৃতি দেবো না, সেটা আমরা করি না, আমরা বলার জন্য আছি। কিন্তু আমরা চেয়েছি বলতে, কিন্তু যারা বিরোধী তারা শুনতে চায় না, শুধু হই হই করে, শুধুই মানে চেঁচায়, বলার সুযোগ দেয় না। আমরা চাইছি চর্চা, তারা শুধু চিৎকার করে, চর্চা করে না, আর ওই পলিটিক্যালি ওখানে ইন্ধন দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। রাহুল গান্ধীর বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন যে যেটা হেলিকপ্টারে গিয়ে পৌঁছানো যেত, উনি যাবেন না, উনি বাই রোড যাবেন, সেখানে একটা সিকিউরিটির প্রবলেম, সেটা নিয়ে একটা গণ্ডগোল হলো, হই হই হলো, মিডিয়াতে ফুটেজ খেলেন, এইসবের এইসব হলে সমস্যার সমাধান হবে না। এটা একটা বহু পুরনো সমস্যা, সব কিছুর মধ্যে রাজনীতি করলে হবে না, সমাধান করতে হবে। উনি যে বিবরণটা দিয়েছেন ওখানে কিন্তু কোনো গোষ্ঠীকে, কোনো সম্প্রদায়কে
কোনো প্রেফার উনি কিন্তু করেননি। পুরো টোটাল যে সমস্যাটা, সমস্যার চোখে উনি কিন্তু দেখলেন, ওর মধ্যে কোনো পলিটিক্যাল কালার, কোনো গোষ্ঠীর প্রতি একটা বিষয় এরকম নয়। মুখ্যমন্ত্রী কেন চেঞ্জ করা হচ্ছে না, মুখ্যমন্ত্রী 356 কেন ওখানে ইউজ করা হচ্ছে না, এসব কথা কেউ কেউ বলছে, তা উনি ব্যাখ্যা দিলেন যে ওখানে কারণ যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি তো কোঅপারেট করছেন। যখন মুখ্যমন্ত্রী, যখন রাজ্য সরকার কোঅপারেট করে না, তখন পুরোটাই কন্ট্রোলে নিতে হয়। তো ওখানকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে হয়তো ক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু উনি তো কোঅপারেট করছেন, বীরেন সিংয়ের কথা বলছেন। যেমন এই রাজ্যের ক্ষেত্রে কী হয়, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেন্টারের সঙ্গে কোঅপারেট করেন, বরং তাদের সঙ্গে লড়াই জারি রাখেন। এক্ষেত্রে 356 যেটা আমি বুঝলাম সে দাবি উঠতেই পারে, কারণ এখানে কোঅপারেট করা হয় না, সেন্টার কিছু বললে শোনে না। কিন্তু ওখানে তো ওইরকম হচ্ছে না বিষয়টা, ওখানে তো কোঅপারেট হচ্ছে। ওখানে তো এমনিতে বিজেপি সরকার রয়েছে, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার, তার মানে এমনিতে একটা তাদের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন তো আছেই। ও তো মানে এটা তো ওয়ান টাইপ অফ পুরো কন্ট্রোলই হলো বিষয়টা, পুরোটাই তো কন্ট্রোলই হলো, কারণ মুখ্যমন্ত্রী তো বিজেপিরই, কেন্দ্র তো বিজেপি সরকার চলছে, এমনিতেও হয়ে গেল অহেতুক দাবি, ওখানে কাজ হচ্ছে এবং বিষয়টা এখন কন্ট্রোলে চলে এসছে, সেসব ব্যাখ্যা দিয়েছে, লম্বা ব্যাখ্যা। তবে এটার কিন্তু খুব প্রয়োজন ছিল, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এই ব্যাখ্যা দেওয়ার খুবই প্রয়োজন ছিল, কারণ অনেক সব ভুয়ো সব কথা সব চর্চা হচ্ছে, যারা বিরোধী তারা একটা এখান থেকে ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন, নেতারা নেত্রীরা। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে পার্লামেন্টে যে বিবরণ একেবারে খোলাসা করে দিয়েছেন অমিত শাহ, এটা অবশ্যই কিন্তু খুবই, আবার বলবো, খুবই প্রয়োজন। আর আমি মণিপুর ঘুরে এসেছি, আপনারা দেখেছেন আমিও খুব সমস্যাটা দেখে এসেছি এবং ওখানে গিয়ে বুঝেছি ওখানকার কমিউনিটির মধ্যে যাদের মধ্যে গণ্ডগোল, তাদের মধ্যে কোনো পলিটিক্যাল কোনো কালার নেই, বরং যারা বিরোধী ওখানে গিয়ে রং লাগানোর চেষ্টা করছে, ওখানে কিন্তু সেই কালারটা আমি দেখতে পাইনি। ওখানে দুটো গোষ্ঠীর, জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্তিত্ব সংকটের ভাবনা থেকে একটা দ্বন্দ্ব, বহু পুরনো দ্বন্দ্ব, 6 বছর তো ওখানকার বিজেপি সরকার হয়েছে, বহু পুরনো দ্বন্দ্ব ইতিহাস তো শুনলেন আপনারা, কিন্তু এটার মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়ে একটা অন্যরকমের রং দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমি উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি নিজে কথা বলেছি, কুকিও বলেছে আমরা অমিত শাহ মোদিজিকে বলছি যাতে আমাদের বিষয়টা এইভাবে দেখা হয়, যারা মেয়েতে তারাও একই কথা, মানে তারাও বলছিল যে আমরা মোদি অমিত শাহকে বলছি, সবাই মোদি অমিত শাহ দিকে তাকিয়ে। এবং কুকি যাদের উপরে অত্যাচার হয়েছে বলে বেশি এখানকার লোকজন বলার চেষ্টা করে, তারা বলেছে আমাদের ক্যামেরাতে আপনারা শুনেছেন যে আমাদের লড়াই কিন্তু বিজেপির সঙ্গে নয়, আমাদেরও এখানে অনেক বিজেপির সমর্থক লোকজন রয়েছেন। এবং এবং আরেকটা বিষয় আমি আগে ভেঙে দিয়েছি, এটা কোনো ধর্মীয় কোনো মানে সংঘর্ষও নয়, খ্রিস্টান ভার্সাস হিন্দু সেরকমও নয়। কেউ কেউ বলেন যে ওখানে মেয়েতেরা হচ্ছে হিন্দু, সেই জন্যে মেয়েদের হয়ে মানে মেয়েতে সম্প্রদায়ী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং, আর বিজেপি ওই মতো চলে যেহেতু হিন্দু ভোটটা পাওয়ার জন্য। কিন্তু ওইরকম নয় বিষয়টা, ওখানে কুকিরা খ্রিস্টান, কিন্তু কুকিদের পাশেই খ্রিস্টানদের মানে নাগারাও খ্রিস্টান, তাদের চার্চ রয়েছে, সেই চার্চে কোনো ডিস্টার্ব হয়নি, কিন্তু কুকিদের চার্চে আগুন লেগেছে বলে দেখেছেন খবর হয়েছিল। সুতরাং এটা কি ধর্মীয় ব্যাপার নয়, তাহলে তো পাশের খ্রিস্টান চার্চটা যেটা নাগাদের, নাগা কমিউনিটি, তাহলে সেটা তো আগুন লাগানো যেত, সেটা তো হয়নি। এমনকি মেতে সম্প্রদায় যেটা বেশিরভাগ হিন্দু বলা হচ্ছে, কিন্তু ওখানেও অনেক খ্রিস্টান ধর্মের লোকজন রয়েছেন, তারাও তো এই সম্প্রদায়ের। সুতরাং ধর্মীয় ব্যাপার নয়, পলিটিক্যাল কোনো ব্যাপার নয়, দুই জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকট বা একটা ফিউচার ভাবনা যে এরা যে সংখ্যায় বাড়ছে আমরা আমাদেরকে ছেড়ে পালাতে হবে, মানে এরকম একটা ভাবনা। তো এই মানে কুকিরা ভাবছে যে ওরা এসটি হয়ে গেলে আমাদের সব অধিকার আমরা পাবো না, ওরাও নিয়ে নেবে। আবার মেয়েদেরা ভাবছে কুকিরা যে সংখ্যায় বাড়ছে তো আমাদেরকে, ওরা আমাদের প্লেনে মানে আমরা যেখানে আছি সমতলে, ওরা পাহাড়ে থাকতে এখন সমতলে চলে এসছে, একদিন তো আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে, মানে এইরকম ভাবনা থেকে একটা টেনশন লড়াই। তো সেটাকে সমাধান করতে গেলে সকলকে ভেবে বসে আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে, এটা ওই বিজেপির সমস্যা বা অন্য পার্টির সমস্যা, কংগ্রেসের সমস্যা এটা নয়, এটা দেশের একটা বড় সমস্যা। এবার পাশের দেশের একটা সমস্যা দেখছেন, ফেন্সিং কাটা তার নেই, লোকজন ঢুকে পড়ে, ওখানকার মানে বারবাতে মিলিটারি শাসন রয়েছে, অত্যাচারে অনেক সময় কুকি সম্প্রদায়, কুকি ফ্রন্ট ওখানে রয়েছে, এখানে ঢুকে পড়ে, যেহেতু এখানে কুকিদের বসবাস রয়েছে আমাদের মণিপুরে, ফলে লোকজন চলে আসেন ওখান থেকে। তো একটা জেনুইন সমস্যা, এটা কোনো পলিটিক্যাল সমস্যা বললে চলবে না, এটা আজকের নয় বহুকালের। তো এটাকে সমাধান করতে গেলে সকলকে বসে করতে হবে, এটাই কিন্তু বলার চেষ্টা হয়েছে, আমিও কিন্তু সেখান থেকে দাঁড়িয়ে বারবার বলেছি এই কথাটা, যে এর মধ্যে রং লাগাবেন না, এটা জেনুইন সমস্যা, বহু পুরনো সমস্যা, এর সমস্যার সমাধান করতে হবে। কারণ আমি যে দুটো গোষ্ঠীকে দেখে এসেছি সত্যি খুব মানে এগুলো ঠিক নয়, সব একটা মানবিকতা বলে জিনিস থাকতে হবে, কেউ ঘরছাড়া হয়ে যাবে, কার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে, এগুলো ঠিক নয়, মারামারি খুনোখুনি এগুলো ঠিক নয়, এটা জেনুইন সমস্যা। ভারত সরকারের তরফ থেকে যেভাবে বলেন অমিত শাহ, তারাও যে উদ্বিগ্ন এটুকু পরিষ্কার,
তারাও কিন্তু কোনো কমিউনিটিকে করে প্রেফার করলেন না, সমস্যা হিসেবে বলার চেষ্টা করলেন। আর আমরাও সেটা বলতে চাই যে এর মধ্যে রাজনৈতিক রং টং না ঢুকিয়ে সকলে মিশে সকলে মিলে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সেটা করা হোক। হয়তো ওই ভোট এসছে 24-এর, চলো এটা ইস্যু করে গরম 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 করে কথা বলি। আবার আমাদের রাজ্যে দেখছে তো শাসক বিরাট করে বলছে, তাদের একটা অন্য উদ্দেশ্য আছে যে ওইটাকে বলবো যাতে করে আমাদের রাজ্যে যা হচ্ছে সেগুলোকে চাপা দেওয়া যায়, সবাই যে যার ধান্দাতে আছে, বুঝতে পারছেন তো? সুতরাং বিষয়টা বুঝতে হবে, এবং উনি একটা দারুণ ব্যাখ্যা আজকে দিয়েছেন লম্বা, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারলেন যে অ্যাকচুয়ালি কী কারণে গণ্ডগোল মণিপুরে। দর্শক, যদি এসব নিয়ে আপনাদের আর কিছু বলার থাকে বলবেন কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভি প্লাসে।